बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो 4 साल का अभी हो गया है इसी महीने। तो एक नए साल की शुभकामनाओं के साथ, एक नए शुरुआत के साथ, आप सब अपने इस बच्चे को बधाई भी दे सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं क्राउड वन की बात कर रहा हूँ जो 4 ईयर्स का हो चुका है। एंड दिस वॉज बैक इन 2019 व्हेन वी हैड लॉन्च्ड दिस फैंटास्टिक जर्नी, द फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और इसी दौरान कई चीजें हैं, कई चीजें हमने भी सीखी हैं, कई चीजें जो है हमें समझ में आई हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस से हम बहुत सारी चीजों को गेन करते हैं। कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो था वो शायद मिसिंग था, लीडर्स और कंपनी के बीच की जो वो कड़ी थी कहीं ना कहीं वो गायब सी थी। लेकिन कंपनी ने इस चीज को समझा, हम जैसे नेटवर्क डेवलपमेंट वाले लोगों को साथ में खड़ा किया ताकि हम वो एक ब्रिज बन सकें। बहुत सारे लोगों का ब्रिज मैं नहीं बन पाता हूं, बहुत सारे लोगों का बन पाता हूं, लेकिन आज कुछ चीजों पे मैं जरूर चाहूंगा कि मैं अपने कुछ पॉइंटर्स को रखूं। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने कहा, लीडर्स जब छोड़ के जाते हैं तो बुरा लगता है, और आपने हाल ही में सुना भी होगा, आप में से कुछ लोगों के पास वो न्यूज भी आया होगा। पीपल्स बिजनेस है, रूमर्स बड़ी जल्दी फैलता है, कुछ रूमर्स सही भी होते हैं और कुछ रूमर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू फेक इट यू कैन नेवर मेक इट। तो यदि आप एक लीडर हैं और आप अपने बलबूते पे, अपने फेस वैल्यू पे, अपने क्रेडिबिलिटी पे आगे बढ़ते हैं, तो उसकी मैं तहे दिल से इज्जत करता, चाहे आप क्राउड वन के साथ हैं चाहे नहीं है। लेकिन यदि आप फेक करते हैं, डुप्लीकेट या कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, तो भाई कॉपी तो सबको पसंद आता है। मेरे को पहले जब मैं छोटा था तो मेरे को वो एलवी का जो बेल्ट होता है, लुई वितों का बेल्ट, साल्वतोरे फेरागामो का बेल्ट, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। बट उतने पैसे तो रहते नहीं थे भाई, 30,000 रुपए का बेल्ट कौन खरीदे भाई, 40,000 रुपए का बेल्ट कौन खरीदे। आराम से दुकान में जाऊंगा, बिग बाजार वगैरह में जब पहले था तो वहां पे खरीद लेता था 150 रुपए में। स्टेशन के साइड में जाएंगे तो वहां पे और 20-30 रुपए में, जितना तोल भाव करो। लेकिन अल्टीमेट क्या होता है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। वहां पर लॉन्जिटिविटी जो होती है उन डुप्लीकेट्स की, उन फेक की, वो बड़ी कम रहती है, जाहिर सी बात है। इसीलिए कपड़ा भी, उसके बाद मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। स्टेशन साइड में, बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में वो चीज, स्टेशन के साइड में कपड़े मिलते थे, कुछ पैसे होते थे तो 20-30 रुपए में अच्छा अच्छा शर्ट टी शर्ट। पहला वॉश किया उसको, उसका कलर फेड हो जाता था, दूसरा वॉश किया कुछ हो जाता था, अल्टीमेटली कपड़ा फट ही गया, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं चला हो। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप डुप्लीकेट चीजों पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो डुप्लीकेट ही रहती है, उसकी कोई लॉन्जिटिविटी की गारंटी नहीं होती। कोई फेक करता है देन दे कैन नेवर मेक इट, तो ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। अब इस पॉइंट से आप क्या क्या सोच सकते हैं वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं ये जरूर एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ दैट कई लोगों के स्पेक्यूलेशंस थे, कई लोगों की प्रेडिक्शंस थी कि भाई क्राउड वन जो है वो नहीं रहेगा। 4 साल हो गए हैं देखते देखते, और इन 4 सालों में हमने तरक्की भी की है, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है जो एक मुकाम पर आके अपनी नई शुरुआत करते हैं। वो कई लोगों के साथ वो शुरुआत बहुत अच्छी नहीं चल पाती है, लोग स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद वापस रास्ता खोजते हैं कि कैसे हम वापस आ सकें क्राउड वन में। और हमने कुछ ऐसे दिग्गज लीडर्स को भी देखा है जो छोड़ के गए थे, जिन्होंने बहुत कुछ बोला। जाहिर सी बात है, अगर कोई लीडर छोड़ के जाएगा तो वो अच्छी चीज थोड़ी बोलेगा, वो तो आपके वो क्या बोलते हैं, जख्म पे नमक छिड़केंगे, वो आपकी दुखती नब्ज पर हाथ रखेंगे, वही सारी चीजें होती हैं। तो आई बिलीव इट्स द सेम थिंग, वही चीज हुई है इन दिनों में, हाल ही में। और मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, भगवान करे हम कभी बुरा बोलते नहीं है किसी को भी, दैट्स क्राउड वन की पहचान। अब आप इसको इमेच्योरिटी समझिए या नाकामी समझिए, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा बड़प्पन है। जब कुछ महीने पहले हमारे कुछ एक बहुत बड़े लीडर थे, वो भी जब छोड़ के गए अपनी वाइफ के साथ, तो हमारे जो बॉस हैं कैनी नॉडलैंड, उन्होंने बोला कि भाई इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विश देम ऑल द बेस्ट, वी नेवर से एनीथिंग रॉन्ग। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को लगा कि यार ये मतलब बहुत अच्छी चीज है, ये क्वालिटी है जो हम में से कई लोगों नहीं अडॉप्ट कर पाते। हम जाहिर सी बात है जलील करना चाहेंगे, हम उनको पब्लिकली डिस्क्रिमिनेट करना चाहेंगे, लेकिन वो हम नहीं करते। आज हमारे बीच इंडिया टीम को लेके, ट्रस्ट मी,
या फिर बांग्लादेश टीम को लेके, या फिर नेपाल टीम को लेके, या फिर अपनी जो कोर टीम है उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था, चीजें इम्प्लीमेंट हुई भी हैं, कई लीडर्स आज यहाँ पर जो हैं उनके कई सारे फीडबैक्स आए, सजेशंस आए, जो आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने दिया भी होगा, उनको हमने कोशिश करके इम्प्लीमेंट किया। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मेरे से बार बार पूछा जाता था कि हम ऑफिस कब लॉन्च कर सकते हैं साउथ एशिया में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो। मैंने कहा नेपाल में तो आप कभी कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट सेलिंग है भाई, वहां पे नई नई चीजें आ जाती हैं। अभी हाल ही में क्राउड वन का वेबसाइट जो है वहां पर कुछ ना कुछ वो फिल्टर और वो सारी चीजें आ गई थी, तो उसके लिए कई लोगों ने बोला कि भाई ये क्या है, ये कैसे हो गया, जबकि वो तो होना था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही बैंड है, बड़ी से बड़ी कंपनीज के वेबसाइट नहीं खुलते। बांग्लादेश फ्रजाइल मार्केट है, इंडिया फ्रजाइल मार्केट है, क्योंकि वहां दादा की दादा की दादा यानी कि परदादाओं की कंपनी, बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के ऊपर जो है वो अपना शिकंजा गढ़ सकती है, या गवर्नमेंट उसके ऊपर, तो बहुत फ्रजाइल है। लेकिन इसका मतलब ये कहते नहीं कि हम उस देश को, हम उस पावर को, उन देशों को ऐसे छोड़ दें जहां पर कुछ नहीं हो सकता। तो कई लोगों ने मेरे से ये चीजें शेयर की और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो स्ट्रेंथ है वो रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस कई आएंगी जिंदगी में, आपको लगेगा द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड, एक बहुत बहुत अच्छी कहावत भी है, तो आपको लगेगा कि अरे बहुत बढ़िया यार, ये तो गजब है, तो जबरदस्त है, शुरू में सबको लगता है, लेकिन ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ, लॉयल्टी, बस यही तीन चार चीजें होती हैं जो आपको जिंदगी भर काम दे सकती हैं। मैं भी कुछ बड़ी से बड़ी कंपनीज में काम किया हूं, वहां पे भी जब मैंने कुछ उसके शुरुआती के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखे, जब उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखा, तो कई लीडर्स थे जो आए, जिन्होंने काफी पैसा बनाया, निकल गए कंपनीज को छोड़ के। हम एक पायनियर एरा में, हम एक बहुत ही पायनियर स्टेज में, जिसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर पेन नहीं बेच रहे, हम यहाँ पे मोबाइल नहीं बेच रहे, हम यहाँ पे डस्टर नहीं बेच रहे, हम सॉल्यूशन बेच रहे। कैसा सॉल्यूशन? जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझ में आ सके। आगे आने वाली पीढ़ी को ये नहीं समझ में आएगा कि भैया ये देखिए ये एयरपोर्ट है बहुत बढ़िया, इसको बेच के आओ तुमको इतना कमीशन मिलेगा। आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको यही समझ में आएगा, जैसा कि अभी नुरुल जी ने कहा, वेब थ्री क्या है, मेटावर्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, एनएफटी क्या है, क्या चीजें हैं। हम में से कई लोग हैं जानते हैं, हम में से कई लोग हैं जो इसके ऊपर ग्रहण अध्ययन कर चुके हैं, और हम में से कई ऐसे भी लोग हैं जो काफी डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहां पर बहुत ही उंदी शुरुआत हुई है, बहुत ही उंदा यहां पर बिगनिंग हुआ है, बहुत धमाकेदार शुरुआत हुई है। हम बहुत सारी चीजों से सीखे हैं और कोशिश करके उन चीजों को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई चीजें हुई हैं, कई दिक्कतें भी आई हैं इन बीच में, जैसे कि एक जो सबसे बड़ा, मुझे अभी हाल ही में किसी ने मैसेज किया था कि डीपीएन शेयर का क्या हुआ, सर बताइए डीपीएन का क्या हुआ। एक हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं लीडर, वो हर हमेशा मेरे को वॉइस नोट भेजते हैं दो चार गाली कहते हुए कि डीपीएन का क्या हुआ, डीपीएन कंपनी ने वादा किया था, ये था वो था, समझ सकते। लेकिन जब आप न्यूज नहीं फॉलो करेंगे, जब हमने ऑलरेडी कहा कि भाई डीपीएन एक स्टैंडलोन कंपनी है जो कि शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, वो सारी चीजें प्रोसेस में आएंगी, देर हुआ है अनडाउटेडली, लेकिन ये क्राउड वन की तरफ से नहीं है। हमने भी चाहा था कि एक ऐसी कंपनी को दायित्व दें, वो जिम्मेदारी दें कि वो उस चीज को बहुत आसानी से प्रोपेल कर सके, लेकिन वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें हो गई कि वो नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई? क्राउड वन पे। कुछ चीजों पे मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। तो यहां पर अब यदि लोग अगर न्यूज फॉलो करते हैं, डीपीएन के वेबसाइट पे जाते हैं, जिन्होंने स्वैप किया है अपने शेयर्स को, सी1 रिवॉर्ड्स को डीपीएन शेयर्स में अगर आपने स्वैप किया है, वहां वेबसाइट पे जाते हैं, वहां एक मैसेज बहुत बहुत वाइब्रेंटली डीपीएन जो है वो कंपनी लिख के देती है कि भैया हमने अभी ये इश्यूज को रिजोल्व किए थे जो हमारे एंड से चल रही थी, अब ये कुछ 7-8 कंट्रीज हैं जहां पर हम अपना पहला पायलट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आप एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे, जहां पर आपको सारी चीजें, आपके शेयर सर्टिफिकेट सारी चीजें दिखेंगी, उसमें भारत का नाम या बांग्लादेश का नाम या फिर नेपाल का नाम अभी नहीं है, वो भी आएगा। क्योंकि जो दूसरा सवाल होगा वो यही होगा कि डीपीएन का शेयर वैल्यू क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एक चीज आप यकीन रखिए, जिस चीज का आपको एक हिस्सा बनाया गया था, जिस चीज के ऊपर
आप में से कई लोगों ने कहा कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया एक छोटे से चीज की वजह से। हो सकता है वो मेरे लिए छोटा हो देखने में के लिहाज से, लेकिन एज अ बिजनेस मैन पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो। उस चीज का भी एक सोल्यूशन अभी आया है, वो चीज भी स्टार्ट हुई है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। कई लोगों ने मेरे को बोला है कि सर विड्रॉल में इश्यूज है। अब आप एक सिंपल सा बात बताइए, आज की डेट में हम 50 मिलियन प्लस मेंबर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ये 50 मिलियन मेंबर्स जो है हमारी ताकत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो शायद उस ताकत को कमजोरी में भी बदलते हैं। मान लीजिए मेरी एक टीम है, मैं अपलाइन हूं यहां पर, मेरी ये टीम है जो सबसे नीचे जो सबसे बॉटम में है, वो मेरा एक ऐसा व्यक्ति है, मेरे लेफ्ट में हो या राइट में हो, वो बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है, यहां पे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये जो दो लोग हैं ये इनएक्टिव है। आज की डेट में हमारा जो कॉम्पेंसेशन प्लान है वो इस तरह से पब्लिश हुआ है जैसे बिल्ड इट वंस अर्न इट फॉर एवर, जबकि आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग वैसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना एक बेयर मिनिमम करना पड़ता है, लेकिन हमने कोई क्राइटेरिया इस तरह की नहीं रखी थी। तो आज की डेट में ये जो बंदा जनरेट करता है एक रेसिडुअल इनकम, वो क्या होता है, या फिर कोई भी हम बोनसेस की बात करें, वो आज की डेट में उसके इनएक्टिव अपलाइन के पास भी जाता है, उसके ऊपर वाले इनएक्टिव अपलाइन के पास भी जाता है, और इनके पास भी जाता है। तो हुआ क्या, मान लीजिए इन्होंने 30,000 यूरो जनरेट किया, 10,000 इधर, 10,000 इधर, 10,000 इधर जाएगा। लेकिन टेक्निकली आपको लगता है इन दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास 10,000 आ रहा है। ये जो व्यक्ति जनरेट कर रहा है ये इक्वली सबके लिए थोड़ी करेगा, ये तो एक्टिव अपलाइन कंप्रेशन कहते हैं इसे, उसके लिए जनरेट करेगा। तो हुआ क्या, आज की डेट में अब जो इस तरह की पेमेंट विड्रॉल इश्यूज और इस तरह की चीजें यदि आप देख रहे होंगे या आपने सुना होगा, कई प्लेटफॉर्म्स पे इसकी जिक्र होती है, वो इसीलिए है, बड़ा सिंपल लॉजिक है कि आज की डेट में हम नहीं चाहते कि जो डिजर्व नहीं करता है उसको कोई कुछ भी मिले। कुछ भी क्या, जिनका जो पेंडिंग है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो डिजर्व नहीं करता है उसको फिर कंपनी क्यों पे करे, या फिर वो इसका हक क्यों छीने। सिंपल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की यदि हम बात करते हैं, तो हुआ क्या, ये व्यक्ति 30,000 जनरेट करता है, तो आज की डेट में सिस्टम में एक रन थ्रू करता है कि क्या ये अपलाइन इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ये भी क्या एक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या ये एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। तो ये जो पैसा जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली इसके पास जाएगा, ना कि इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें जो है वो फाइनेंशियल आईटी आप कुछ भी कह लीजिए उस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे ट्यूजडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे एक बेयर मिनिमम विड्रॉल है जो कि हर दिन जा रहा है किन लोगों को, जो एक एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी जनरेट कर। आपने कई शोर सुने होंगे, पेमेंट विड्रॉल डिले इशू। कल ही एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपने किसी टीम को मेरे से इंडिविजुअल बिठाया, उन्होंने कहा कि वो उनको तो पैसा नहीं मिल रहा, आज से नहीं, उनको 8 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो हमने उनको देखा, उनका देखा, वो इनएक्टिव है पिछले 2 साल से। उनके पास क्या आ रहा था, रेसिडुअल आ रहा था। उनके पास क्या था, एक भी स्पॉन्सरिंग पिछले 1.5 साल में उन्होंने नहीं की है, एक भी प्रोडक्ट या कस्टमर्स को उन्होंने नहीं रेफर किया, मेरे पास तो पूरा डेटा होता है। उन्होंने 0 turnover किया है लास्ट के 30, 60 या 90 डेज में। ये एक ऐसा बिजनेस नहीं है डियर लीडर्स जहां पर हम एक बार बनाए और हमेशा करें, ये रादर एक ऐसा बिजनेस है। देखिए सिंपल सी बात है, इस बिजनेस का जो फंडामेंटल है वो यही होता है कि यदि मेरे टीम में लोग सक्सेसफुल होंगे तब जाके मैं सक्सेसफुल हूं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं और मेरी टीम वाले लोग नहीं सक्सेसफुल हों तो ये नहीं होता। तो इस बिजनेस में आप यही करते हैं, आप अपने आप को कट ऑफ करते हैं टीम कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, अपनी टीम के आसपास एक संरक्षण बनाते हैं ताकि आपकी टीम जो है उस डर में रहे, वो मैनेजमेंट के पास नहीं जाए, वो कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचे, वो सरपास नहीं कर सके, ताकि कल को आपको कहीं जाना होगा तो आप टीम को लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने हकीकत तो बताया ही नहीं, आपने जो सही स्टोरी थी वो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी चीज की वजह से हम में से कई ऐसे लोग हैं जहां पर पेमेंट विड्रॉल इश्यूज का दिक्कत है ही नहीं। रादर जो इनएक्टिव है, जो पिछले 3 महीने 6 महीने से इनएक्टिव हैं, उनका एक रेसिडुअल जनरेट होता रहा है जिसको वो क्लेम करते रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं फिलहाल ये हो गया। सारी चीजें जो है वो तात्कालीन है, इट इज वेरी टेम्पररी। इन किसी भी चीजों का आप
कंक्लूजन मत विड्रॉ कीजिए कि भाई चीजें तो हुई। अगर चीजों में थोड़ी सी देर होता होती है, थोड़ा विलंब होता है, तो उसके आगे का जो फल परिणाम है वो बहुत अच्छा होता है। ये मैंने देखा है। कई बार हम माथा अपना पीटते हैं कि यार ये इतना कम क्यों हुआ, यार ऐसा क्यों हो गया, वैसा ही क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। प्लीज मत करिए, क्योंकि आप विश्वास रखिए, मैं जिस तह तक जाना चाहता था अपने इन मार्केट्स में, वो शायद मैंने उसका 2% या 3% भी नहीं किया है। कल हमारे एक लीडर थे, हमारी उस लीडर के साथ मुलाकात हो रही थी, आज वो इस कॉल पे भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो हम बड़े एक्साइटेड हुए कि राज गौरव जी आए हैं हमारे साउथ एशियन मार्केट से, तो अब हमारा बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सब बहुत बढ़िया जाएगा। लेकिन सर वो हुआ नहीं। सर ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की और मैं कर रहा, लेकिन हो क्या रहा है, हम में से कई लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लगता है वो बहुत अच्छा है तो हम वहां चले जाते हैं, आपको लगता है हम सुन नहीं रहे। आज की डेट में डेली के बेसिस में लगभग 100 से 120 लोगों के साथ संपर्क में रहता हूं, और ये नुरुल जी हैं, अंशुमन जी, आप अपने सीनियर लीडर से पूछ भी सकते हैं क्योंकि वो देखते हैं चीजों को। मैं एक ही चीज कह रहा हूं और तह दिल से कह रहा हूं, दैट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, इट इज अ वेरी फेथफुल सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज हम जैसे लीडर्स आज यहां पर नहीं रहते। हमारे पास भी कई ऑप्शंस हैं। मैं एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से नहीं आता अगर यहां पर कोई प्लान नहीं रहता। चीजों को किस तरह से क्या हो रही हैं, ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट पे बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूं आपको कि जो भी रूमर्स हैं, अनऑप्शनल अफरात रूमर्स हैं, उन पे मत जाइए। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए, आपको कोई प्रॉब्लम है अपने सीनियर मेंटर अपलाइन से पूछिए, भाई ये क्या है। उनके पास एक रियल टाइम स्टेटस रहता है क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, दैट हैव द फेथ जो आपके आपने इतने दिनों से दिखाया है। जो भी चीजें हैं वो एक बहुत ही तत्कालीन है, एक बहुत टेम्पररी सिचुएशन है, एक अरेंजमेंट है, और वो बाई प्लान किया गया है। उस बीच कई लोगों को चिढ़ होगी, उस बीच कई लोग समझेंगे चीजों को, कई लोग जो है वो शायद नहीं समझेंगे और नई नई जगहों पर जाएंगे, और जिस कंपनी में वो पैदा हुए, कहते हैं ना, बॉर्न एंड बॉट अप इन क्राउड वन, बट दे आर फेकिंग इट एंड ट्रस्ट मी दे कैन नेवर मेक इट। अगर अपने बलबूते पे जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हैं किसी और एक्स वाई जेड को सामने लेके आते हैं तो वो नहीं होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। मैं बस यही चीज कहता हूँ, पर्सनल लेवल पे मैं जरूर चाहूंगा कि सब चीज बेहतर हो। अब बात करते हैं हम अपने फैंटास्टिक एलिमेंट्स पैकेज की। अब जो नया एलिमेंट पैकेज, अब आप देखिए कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर मेरे पास जो वाइट, ब्लैक, गोल्ड, टाइटेनियम प्रो है उसका क्या होगा। हमारे पास जवाब नहीं था, हमने यहाँ पे मैनेजमेंट से बात की, हमने कहा नहीं ये तो एक जेन्युइन कंसर्न है, क्या होगा उन लोगों का जो अभी फिलहाल उस पे नहीं आना चाहते। थोड़ा समय लगा लेकिन अल्टीमेटली वो एक एलिमेंट मेंबर स्टेटस के साथ आए, जहां पर वो कुछ बेनिफिट, पार्शियल बेनिफिट अपने प्रीवियस पैकेज को लेकर अचीव कर पाए। तो एलिमेंट स्टेटस मेंबर हमने लॉन्च किया। यदि आपकी टीम में नई स्पॉन्सरिंग हो रही है, नई ज्वाइनिंग हो रही है, आप नए लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वो पुराने वाले पैकेज में हैं, कोई बात नहीं, आप रहिए, लेकिन आपको उसका पार्शियल बेनिफिट मिलेगा। 20 BP आपको मिलेगा हर एक नए पर्सन पे, चाहे वो फायर ले चाहे वो अर्थ ले, जहां आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, सो दैट आप ये ना फील करें कि भाई ये क्या हुआ। हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, एलिमेंट मेंबर स्टेटस को हमने लॉन्च किया। फिर बात हुई कि सर बहुत सारे हमारे लोग हैं जो नहीं कर पाए, नहीं है, उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए फिर हमने एक प्रावधान लॉन्च किया। हमने फिर क्या कहा कि चलिए ठीक है, बीपी यूज कर सकते हैं जो बैक ऑफिस में कई लोगों के पास है, बीपी से वो अपने अर्थ पैकेज को ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट NFT का जो नया अरीना है, जो नया डायमेंशन है, उसमें वो आ सके। हमने इस चीज को ध्यान में रखा। फर्दर हमने बहुत सारी चीजों को देखा, लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी पॉइंट्स का क्या होने वाला है। बॉस हम तो क्लेम करते रहते हैं, हमें मिलता ही नहीं है लॉयल्टी पॉइंट। आप देखिए जो आपने अक्यूमुलेट किया था इतने दिनों से, इतने महीनों से, उसका आज की डेट में एक वैल्यू प्रपोजिशन निकल के आया। वैल्यू क्या है भाई, तो आप कोई भी पैकेज लेते हैं एयर एंड अबव, उसका 50% आपको डिस्काउंट मिलता है उस वैल्यू प्रपोजिशन पे। तो आप वैल्यू खुद ही गिन लीजिए, कितना वैल्यू उसने जनरेट किया है लॉयल्टी पॉइंट में।
अब वो सिर्फ आपके लिए ही सीमित नहीं है, आप जितने भी गिफ्ट कोड्स बनाते हैं, आप जितना भी लॉयल्टी पॉइंट को डिस्काउंट वाउचर्स में कन्वर्ट करते हैं, उतना आपको उतना वैल्यू प्रोपोजिशन मिल रहा है। तो अगेन दिस इज अ विन विन फैक्टर। अब कई लोगों ने इसको यूज भी नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर अब उसका क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो मेरे पास बकाया जो लॉयल्टी पॉइंट होगा उसका क्या होगा। सर अभी अभी हमने देखा जो नए स्टार्टअप पैकेजेस लॉन्च हुए हैं, जो नया लॉन्च था उसमें कंपनी ने बात की है क्राउड वन टोकन की, उसमें कंपनी ने बात की है क्राउड वन एक्सचेंज की। तो बहुत सारी चीजें हैं होने के लिए, और वो सब में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है जहां पर हम चाहते हैं चीजों को लेके आने का। हमने थाईलैंड इंसेंटिव, एक क्वालिफिकेशन ट्रिप है, उसको लॉन्च किया। हमें से बहुत कम है जो आज की डेट में हमारी जो टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर, हमें से बहुत कम है जिसको ये क्वालिफाई कर सके कर पाए हैं। मैं शायद पर्सनली समझ सकता हूँ कई एस्पेक्ट्स को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये चीज तो है, ये बेहतर हो सकती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि शायद वो कॉन्फिडेंस हम नहीं लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम शायद इधर उधर ज्यादा की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कितना क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हमें शायद अपनी काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं रहता। हमने मेटा स्ट्रीमलाइन बोनस को स्टार्ट किया, जहां पर आप मेटावर्सी के अपडेट्स को आप ले सकते हैं, मेटावर्सी के वर्चुअल ऑप्शंस में आप क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीजों को किया गया है एज ए प्रमोशनल पैकेज किया गया है। तो ये एक मौका है आपके पास कि आप इस NFT की दुनिया को समझें। आगे आने वाला जो जनरेशन है, ट्रस्ट मी, वो Web3, मेटावर्स और NFT और क्रिप्टो और इन्हीं सब चीजों के ऊपर रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन एनीथिंग एल्स, और हम वो चीज लेके आ रहे हैं। हम जिस पे भरोसा करते हैं, आप बड़प्पन देखिए क्राउड वन का, हम जिस पे भरोसा करते हैं उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो साइड हो जाते हैं, निकल लेते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं। मैंने योनिस से कुछ बातें शेयर की थी, तो उन्होंने बोला उनका एक अलग नजरिया है चीजों को। अच्छी बात है राज, गुड, करने दो उनको भाई। आखिर बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो क्राउड वन है ना, क्राउड वन में है, उन्होंने सीखा यहां से, अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करें। वेरी गुड, वी विश देम ऑल द बेस्ट, बट फिनिश, रिश्ता वहीं तक था हमारा। तो इस तरह की मैच्योरिटी, इस तरह की कॉन्वर्सेशन, इस तरह का विजन अगर कोई लेके आता है, तो आप समझिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमने कुछ बहुत शानदार चीजों को प्लान किया है इन द फ्यू कमिंग मंथ्स। इस महीने की बात करें, अगले महीने की बात करें, उसके बाद की बात करें, हमें से सभी लोग यहां पर लगे हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं ऑफिस में हूँ, नुरुल जी जानते हैं, अंशुमन जी जानते हैं, मुझे फ्रैक्चर हुआ था, मेरा स्पाइन पे फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी रेस्ट वेस्ट बोला है, हो गया 2 हफ्ते का रेस्ट मैंने किया घर पे बैठ के, लेकिन अब मेरे को खुद ही नहीं रहा जा रहा है कि मेरे को आना है वापस। तो आज मैंने बोला कि नहीं, आज मैं ऑफिस आऊंगा, अब से मैं ऑफिस आऊंगा, दर्द है उसको बर्दाश्त करूंगा, लेकिन जो चीजें हैं, जो पेंडेंसी है, जो क्वेरीज हैं, आप में से जिन लोगों के फीडबैक्स रहे हैं, उनको मैं जरूर आगे तक लेके जाऊंगा। पहले भी लेके जाता था, लेकिन अब भी लेके जाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द प्रोमिसेस, दिस इज वन ऑफ द गारंटी। हम चाहते हैं बहुत कुछ करना डियर लीडर्स, लेकिन रूमर्स पे मत जाइए, एक्शन प्लान क्रिएट कीजिए। वो कहते हैं ना, बिग लीडर्स डोंट फाइंड रीजंस, डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस, दे डोंट मेक एक्सक्यूजेस, दे फाइंड रीजंस टू डू थिंग्स। आपके पास आज इतना सारा रीजन है। क्राउड वन का एक फैंटास्टिक बिजनेस प्लान है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस नए बिजनेस प्लान को रिकॉर्ड करके जूम पे डाला है? बहुत कम होंगे। हम में से कितने हैं जिन्होंने इस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी का एक संरक्षण बना के आगे लोगों को भेजा है? नहीं है, नहीं हो रहा, बहुत कम है, होंगे, बहुत चुनिंदा है। मैं तो यूट्यूब पे नहीं देख पाता, आप में से आई एम श्योर कहीं होंगे, लेकिन वो कहाँ है, वो जज्बा कहाँ है, वो जुनून कहाँ है? क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हम सारी चीजों को दरकिनार करें। पीपल्स बिजनेस है, शोर मचेगा, आपके ऊपर है, आपको कान देना है, उस शोर की तरफ भागना है, या उसको फोकस करके आपको अपना काम करना है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा करना है। आज की डेट में जो लीडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, उनको अपना टाइमली कमीशन मिल रहा है। ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत तरह की वॉयलेशंस हुई हैं, ब्रीच ऑफ कंडक्ट हुआ है। क्राउड वन ने कभी ये नहीं कहा कि हम एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लेकिन लोगों ने इसको प्रमोट किया। हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एक्शन कॉम्प्लायंट ओरिएंटेड प्लान के साथ आते हैं। तो इन सभी ग्रोथ ड्राइवर्स का आप इस्तेमाल कीजिए। नए लोगों को कैसे हम ऑनबोर्ड कर सकें? नए लोग ब्लड है, पुराने लोग जाएंगे ही जाएंगे, ये एक टूटी हुई बाल्टी है। मैं गांव में जाता था बिहार में अपने कभी चापाकल पे नहाने के लिए,
तो एक बाल्टी होती है, आयरन की बाल्टी है, मैंने शायद पहले भी कहा है। तो ये आयरन की बाल्टी है जिसमें से साइड में थोड़ा सा छेद है, पानी जितना भरते हो हल्का हल्का निकलते जाता है। अपॉर्चुनिटी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड आयरन की बाल्टी है, लेकिन छेद होना आवश्यक है, मतलब वो है ही क्योंकि 4 साल पुराना है भाई। तो उस छोटी से छेद में लोग निकलते रहते हैं। हम कब बिजनेस अपना ध्वस्त करते हैं? जब हम चापाकल चलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि चापाकल से पानी आता है, पानी यानी कि नए ब्लड, नए लोगों के पास हम जाते हैं। आप बताइए मेरे को ऑनेस्टली, पिछले एक हफ्ते में, आज हम 4 तारीख हैं, चलिए पिछले इस नए साल से 1 जनवरी से 4 दिन, आप में से कितने लोगों ने एटलीस्ट 3 लोगों को प्लान दिखाया है, एसटीपी किया है, शो द प्लान या शेयर द प्रोडक्ट? हम में से बहुत कोई होंगे जो कर रहे हैं, हम में से कई ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस अपॉर्चुनिटी को ही नहीं देखा, हम इधर उधर रह गए। और ये शायद मैं पर्सनली इस लेवल पर आके देखता हूं कि कैसे हम चाइना को अपना कंपटीशन मानते हैं, कई जगहों पर चाइनीज को बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं मेड इन चाइना है, लेकिन जब मैं देखता हूं उनको काम करते हुए, उनका शेड्यूल देखता हूं, दिन में 10 10 15 15 लोगों को, अब आप बोलोगे पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत ही कम समय में, इनफैक्ट इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हम सब मिला के उसके पॉपुलेशन से ज्यादा है आज की डेट में, लेकिन हमारे पास वो यूनिटी, वो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, वो स्ट्रेंथ नहीं है। सो आई रियली अप्रिशिएट टुडे किस तरह से अंशुमन जी, किस तरह से नुरुल जी, और किस तरह से निरंजन जी आज हैं, जुबली जी हैं, सुमन जी हैं यहाँ पर। आप सब मेरे को बहुत सारी चीजें भेजते रहते हैं, मैं जिन जिन चीजों को अपने कैपेसिटी से आंसर कर पाता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं कर पाता हूँ वो मैं एंश्योर करता हूँ कि लोगों तक जाए, आगे ऊपर जाए, वो चीजें बहुत शोर मचाएं और चीजें बेहतर हो। शोर मचाने का काम नहीं है हमारा, काम है कलेक्टिव फीडबैक, हमारा काम है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम इन चीजों को कर सके। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं अंशुमन जी का, नुरुल जी का, जो कॉन्स्टेंटली इन मीटिंग्स को प्रमोट करते रहे हैं। और अब आगे आने वाले कुछ दिनों में, अब आप देखेंगे हम में से कुछ लोग, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग रेस्पेक्टिव कंट्रीज पे जाएंगे, वहां पे कुछ सेलेक्टेड फ्यू लीडर्स के साथ जरूर वार्तालाप करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को एक नए मुकाम पर लेके जाएंगे, ये दावा है। क्योंकि अब ये आने वाला जो साल है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, और आप हंसिएगा आगे चल के कि यार ये भी कोई प्रॉब्लम होता था, अच्छा ऐसा भी होता था। आगे आने वाले जो लोग होंगे वो भी बोलेंगे अच्छा ऐसा भी होता था क्राउड वन में, हाँ इस तरह की चीजें होंगी और ये होना निश्चित है। बट प्लीज कीप अप योर फेथ, योर ट्रस्ट, योर कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग टुगेदर, बिकॉज दिस इज ऑल वॉट वी नीड। हमें डिसोसिएट करने के लिए, फैमिली में, परिवार में दरार पैदा करने के लिए कई लोग आते हैं, कई तो परिवार का ही हिस्सा रहते हैं जो परिवार से अलग हो जाते हैं और परिवार को तोड़ते हैं। लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दिस, थैंक यू सो मच। और मैं अब चाहूंगा कि हम इन फैंटास्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स से अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंग्लिश में है, हिंदी में भी, एक लैंग्वेज में, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखिए, उसको लॉन्च कीजिए, यूट्यूब पे आप अपने वीडियोस बनाइए, अपने लोगों को ऑनबोर्ड कीजिए। इस मीटिंग से पहले मैं एक पिछली मीटिंग में था जहां पर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जहां पे कुछ लीडर्स जो हैं वो यूरोप के हैं, कुछ फिलीपींस के हैं, कुछ हमारे स्पेन के हैं, फ्रांस के हैं, ये सब मिलकर एक इस तरह का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जहां पर वो ऑनबोर्डिंग, ये बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिस है, मैं आपको ये नहीं बता रहा वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिस है। वो अपने लिए अपना एक खुद 5 to 7 minutes का 5 minutes बिजनेस प्लान रेडी कर रहे हैं यूट्यूब पे, भाई ये क्या है। हमें कई, हमने वीडियोस देखी हैं क्राउड वन की, बिजनेस प्लान 1-1 घंटे तक चलता जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है लोगों को। 5 से 10 मिनट काफी होता है आपको अपना डिसीजन लेने के लिए, उसके बाद हम इंटीग्रिटीज पे जाते हैं, निटिग्रिटीज पे जाते हैं। तो वो कुछ ऐसे 7 8 10 लीडर्स हैं जो साथ में आ रहे हैं, अपने जूम पे ही अपने आप को रिकॉर्ड करके वो अपने उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं। सारी चीजें हो रही हैं, वो यूट्यूब पे डालने वाले हैं, बॉम्बार्डमेंट होगा। उसके बाद ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने 30 डेज का ट्रेनिंग रखा है, हर दिन उन 10 15 लीडर्स में से एक एक दिन सबका कैलेंडर होगा, वो किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। साहब अब मौका आ चुका है, हम सब एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, चाइना, वियतनाम ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी ये लीडरशिप
है वो इंटीग्रेटेड रहे, साथ में रहे, ताकि हम इस मुकाम को आगे और बेहतर तरीके से लेके जाएं। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रांग, बट इट इज इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा बोलता हूं, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि ये मौका मेरे को बार बार मिलना पड़े, बहुत दिनों बाद ये मौका आया तो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। लेकिन अब अगर हर हफ्ते हम इस मीटिंग को कर सकें, जहां पर मैं आपको एक अपडेट दे सकूं कंपनी के परस्पेक्टिव से, कुछ बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिसेस को आपको बता सकूं, तो इससे बेहतर आई डोंट थिंक सो कोई शुरुआत हो सकती है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड पर्सनली मैं आप में से कई लोगों से मिलना भी चाहूंगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट, एंड बैक टू नुरुल जी, बैक टू अंशुमन जी, थैंक यू सो मच सर। राज सर, अभी आपको जाने नहीं देंगे। दो क्वेश्चन है। सर सबसे पहले एक चीज हमें बताए कि बहुत सारे लोगों के मन में है NFT, करेक्ट? क्राउड वन NFT में एंटर कर रहा है। NFT इज अ फ्यूचर, Web3 इज अ फ्यूचर, मेटावर्स इज अ फ्यूचर। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग इफ वी आर द ओनर ऑफ अ NFT पैकेज? ठीक है, हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है NFT पैकेज से? ठीक है सर। तो सर सबसे पहले NFT पैकेज से क्या बेनिफिट मिल सकता है, उससे जानने से पहले एक बार हैंड रेज, रेज हैंड वाला ऑप्शन है। हम में से कितने लोग हैं जो NFT के बारे में जानते हैं? अरे मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही हैंड रेज होना स्टार्ट हो गया। हम में से कितने, एकदम सच्ची सच्ची बोलिए, एकदम दिल खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है, मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम में से कितने लोग हैं जिनको NFT के बारे में, बताइए, हैंड नीचे क्यों हो रहा है रेज? ओके, ग्रेट सर। तो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि उस NFT पैकेजेस का क्या वैल्यू प्रपोजिशन हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बट द पॉइंट इज, हम में से कितने हैं जो NFT क्या होता है उसको जानते हैं? आप यदि पूछें कुछ लोगों से तो वो कहेंगे नॉन फंजिबल टोकन। ये फैक्ट है, ये मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बता रहा, नॉन फंजिबल टोकन। हमने कहा भाई उस, वो तो फुल फॉर्म हो गया ना, उसका मतलब क्या है? हम तो बिहार के हैं, हम लोगों से जब भी वो UPSC वाली तैयारी होती थी तो लोग हमसे वाई 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 5 बार वाई पूछते थे, तब तब समझ में आता था कि भाई पूछना क्या चाहता है। तो NFT क्या है? It's just not non-fungible token, but it is a certificate of ownership registered on the blockchain, so that there can be no tampering. तो हमें उस चीज को समझने की जरूरत है कि भाई NFT होता क्या है, क्यों ये NFT क्या होता है, क्यों आया ये? NFT एक यूनिक चीज है, वेरी यूनिक। कोई दो NFT एक तरह का नहीं हो सकता, ये भी फैक्ट। यदि वो है तो वो NFT नहीं है। तो NFT क्या होता है उसको समझने की आवश्यकता है। YouTube पे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम भी खुद माइंडो के प्लेटफॉर्म और उसकी मदद से उस ट्रेनिंग्स को लेके आ रहे हैं कि व्हाट इज NFT एंड फलाना, और इस तरह की चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, व्हाट इज NFT, व्हाट आर थिंग्स। अब यदि आपको पता है कि NFT इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप दैट्स रजिस्टर्ड ऑन द ब्लॉकचेन फॉर यू टू टेक दैट प्राइड इन द ओनरशिप दैट यू हैव। अब ये क्या हो सकता है? NFT जो हमने, कई लोगों ने सुना होगा, आर्ट फॉर्म में होता है, चित्र बना के NFT डाल देते थे, वो चित्र बिका। हमने सुना होगा अमिताभ बच्चन जी ने एक पेंटिंग बनाया, उसको NFT करके $8 मिलियन में बिका। ऐसे कई सारे NFTs इंडिया में भी बिके हुए हैं। टेस्ला कार है, दुबई का मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, टेस्ला कार है $12 मिलियन में बिका, क्योंकि वो NFT उस पे पेंटेड था उस टेस्ला कार पे। इथियोपिया, उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बहुत छोटा सा देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इथियोपिया में एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने आर्ट, तो ये आर्ट फॉर्म बनाया, उसका फोटो लिया और उसको $40,000 में सिर्फ 3 दिन में उसको NFT पे बेचा। तो अब ये NFT सिर्फ आर्ट में नहीं है, NFT आज की डेट में हर जगह पे आ गया है। मैरीटाइम NFT आ गया है, रियल एस्टेट में NFT आ गया, अब हर जगह देखिए NFT ही NFT होगा। NFT का वैल्यू, अगर ये NFT मैंने इसको ब्लॉकचेन पे रजिस्टर किया, डिजिटल ओनरशिप राइट है मेरे पास इसका, तो ये जो NFT है इसका वैल्यू 0 है आज की डेट में। सिंपल, कोई भी NFT जो बिकता है, बनता है, उसका वैल्यू 0 होता है। NFT का वैल्यू क्रिएट किया जाता है। आज की डेट में यदि आप अपने पैकेजेस को देखिए, जो नए पैकेजेस हैं, जो अर्थ, एयर, वाटर, फायर,
आज हमने अनाउंसमेंट की है फिफ्थ एलिमेंट की, जो कल से लॉन्च होने वाला है, ये सब एक एनएफटीज आपको मिल रही है। किसी एक लीडर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, राज मैंने एक अर्थ पैकेज लिया था और मेरे जो डाउनलाइन उन्होंने भी अर्थ पैकेज लिया, हम दोनों का एनएफटी अलग अलग है, ऐसा क्यों है? हमने बोला सर ये कैसा सवाल है। तब हमने एनालाइज की कि भाई एनएफटी क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है। एवरी एनएफटी हैज टू बी यूनिक, सब एनएफटी यूनिक होगा, और जितना हायर एनएफटी जाता है, अर्थ एयर वाटर फायर, उतनी रेयरिटी उसकी बढ़ती जाती है। रेयरिटी बढ़ती जाती है तो वैल्यू प्रोपोजिशन उसका बढ़ता जाता है। तो आज की रेट में आपके पास अगर अर्थ एयर वाटर फायर कोई भी एनएफटी है तो उसका वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। अब उसका वैल्यू कैसे हम क्रिएट करेंगे, डिस्कॉर्ड चैनल हमने लॉन्च किया है। डिस्कॉर्ड चैनल पे अपने एनएफटीज को शेयर कीजिए, रीशेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए, समझाइए, बताइए, अपने इंस्टाग्राम पे कीजिए। नियॉन कैट का एक एनएफटी है, इसको प्लीज एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप गूगल कर सकें, यूट्यूब वगैरह पे सुन सकें इसको। नियॉन कैट, NYAN, नियॉन कैट का एक एनएफटी बना था, वीडियो गेम्स हम लोग खेलते थे ना उस समय, क्रिस उनके डेवलपर हैं, उन्होंने बनाया था, 10 साल पहले बना था, 4 साल पहले बिका है, और वो लगभग 600 इथीरियम में बिका है, वो नियॉन कैट का एनएफटी। जितनी बार वो बिकता जाता है उतनी बार जो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ब्लॉकचेन पे जो उसका ओनर है उसको रॉयल्टी मिलता जाता है। ये एक एग्जांपल है। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे OpenSeas.com है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसको मैं यूज करता हूं तो मुझे पता है, जहां पर आप अपने एनएफटी को शेयर कर सकते हैं, उसके वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास एनएफटी है उसको आप फर्दर बर्न कर सकते हैं, हम एनएफटी को अपने बर्न करके उसको टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोकनाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं। तो उस एनएफटी का वैल्यू उसके यूटिलाइजेशन पे होता है कि उसका वैल्यू इंक्रीज तब करता है जब उसकी यूटिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो आज की डेट में हम क्यों कह रहे हैं आपको C1 Link Wallet, आज की डेट में हम क्यों कह रहे हैं आपको कि Crowd1 Token, बिकॉज आपके पास एक एनएफटी मिला है, उस एनएफटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब वो यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट वो बढ़ता जाएगा। तो आज की डेट में यदि मैं कहूं एक एनएफटी का जो वैल्यू है वो $100,000 है, $500,000 है, ये कोई गलत नहीं है, बिकॉज ये चीज हमने देखी है। फर्दर इंफॉर्मेशन एज एन इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट आपको हम जरूर शेयर करेंगे, इसी महीने का प्लान है उसको लॉन्च करने का, कि आप अपने एनएफटी के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको ट्रेड कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप कैसे ब्लॉकचेन पे उस को रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि आपके पास एनएफटी है, वो वाला सारी चीजों की डिटेल आएगी। लेकिन उससे पहले समझना ये जरूरी है कि एनएफटी क्या होगा। सर आपके उस बहुत लंबे प्रश्न को मैंने छोटा सा जवाब दिया। छोटा सा जवाब तो नहीं है लेकिन करेक्ट जवाब है। एक्चुअली जो हमें सीखना चाहिए वो छोटा कभी नहीं होता है, वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। और ये एनएफटी सब्जेक्ट में भी करीबन एक साल से एनएफटी के ऊपर बहुत सारा पढ़ाई तो किया, और मैं इतना समझ रहा हूँ एनएफटी का बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत सारा वैल्यू है। डिपेंड करता है हाउ वी क्रिएट इट। इफ वी क्रिएट समथिंग पीपल कैन गिव अस अ वैल्यू। So we have an opportunity, great opportunity with Crowd1 now, कि हमारे पास इसको सीखने का मौका मिला, इसको समझने का और एक ownership का भी मौका मिल रहा है। और मेरे ख्याल से इस NFT को अगर हम ownership लेंगे कोई भी पैकेज के साथ, उसके साथ साथ NFT related बहुत सारा drops भी हमें मिल सकता है, बहुत सारा चीज़ मुझे मालूम है फ्यूचर में हमें मिल सकता है। सारे चीज आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे मुझे पता है, फिर भी मैं थोड़ा सबको थोड़ा बहुत बता दूं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर्स है, ये कोई पैकेज नहीं है। एक्चुअली वी आर इन्वेस्टिंग टू ओनरशिप सम फीचर्स, and these features give us a lot of benefits. It's not from Crowd1, it's from all the NFT spaces. Crowd1 ke saath saath NFT spaces ke saath bhi bahut sara features milne wala hai. So thank you very much Raj ji, aapka wonderful presentation ke liye.
और हमें आपका ये लिंक हम लोग 5-10 मिनट और यूज करेंगे प्लीज. आई हैव मेड यू द होस्ट, यू आर द ओनर ऑफ दिस लिंक एंड इट इज अ ब्यूटीफुल लिंक. सर एक चीज बस मैं बोलूंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा था, उसमें आ रहा था कि मेटावर्सी के ऊपर अपडेट दीजिए. मेटावर्सी का बहुत सिंपल अपडेट है सर, मेटावर्सी दिसंबर में लॉन्च हुआ, उसके कॉन्टेंट उसको इन्फॉर्मेशन हमने स्टार्ट की है. तकरीबन 170-172 कंपनीज हैं जो मेटावर्स के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं. उसका एक स्टेज वाइज प्लान है. दिसंबर में हमने लॉन्च किया, metaversey.com लाइव हुआ है. अब इस महीने आप फिर उस वीडियो और कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन को देखिएगा कि जैसे वर्चुअल कार्ड्स जो आपके पास हैं, उन वर्चुअल कार्ड्स का क्या होगा. सो ये एक प्ले टू अर्न ट्रेड टू अर्न प्लेटफॉर्म है और इस चीज को हम और कंटेंट ओरिएंटेड ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लीगैलिटीज हैं जो बचती हैं, लेकिन उसको हम एक फेज्ड वाइज मैनर में आगे बढ़ा रहे हैं. मेटावर्सी इज द फ्यूचर, दिस इज व्हाट आई नो एंड इट इज द फ्यूचर इन द प्रेजेंट. और दिस मंथ यू विल हैव एन अपडेट ऑन मेटावर्सी. और ये इन्फॉर्मेशन को ना यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक चीज बहुत बड़ी देखी है. अंशुमन सर, नुरुल सर भी है यहाँ पर. सर यहाँ पे हमारे, यदि मैं साउथ एशियन कम्युनिटी की बात करूं या हमारे रीजन की बात करूं, वहां पे प्लैनेट आईएक्स के जो लोग हैं वो बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू बाकी के लोग. जो मैं प्लैनेट आईएक्स है, क्योंकि हम लोग वो रिव्यू शेयर करते हैं, तो वहां मैंने देखा है वी ऑक्यूपाई ओनली 7-9% के आसपास, 7-9% हमारा शेयर है प्लैनेट आईएक्स में एज कम्पेयर टू द एंटायर वर्ल्ड. और वहीं पे प्लैनेट आईएक्स का चाइना, वियतनाम, कोरिया, यूरोपियन एंटायर, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, यू नो, वहां पे प्लैनेट आईएक्स का शेयर बहुत ज्यादा है. इट इज द रेस्ट ऑफ द थिंग. तो हमने क्या किया, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्लैनेट आईएक्स को, हम समझ नहीं पाए क्योंकि अचानक से बहुत सारी चीजें आने लगी. लेकिन मेटावर्सी के साथ आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, जहां पर आप एक एक करके जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको समझिए, बैक ऑफिस को चेक करिए और अपने प्ले टू अर्न ट्रेड टू अर्न स्किल को मास्टरशिप कीजिए. इसमें हमने पहले भी बोला था 60% इजी टू लर्न, 40% थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए नो हाउ, दैट्स हाउ इट इज. और पहले हम नो हाउ कर रहे हैं ताकि वो जो 60% है वो आपका 100% में कन्वर्ट हो जाए, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा उससे कमा सके. सिंपल. थैंक यू सर. थैंक यू.